सश्रीकाल तुसी वेख रहे हो फास्ट वे अमृतसर खबरनामा मैं देविका जैन ते उन सब तो पहला एक नज़र अज दे बुलेटिन दीआं मुख खबरां वल। वरुण कुमार ने मार्केट कमेटी चौगावां दे चेयरमैन वजो संभालिया अहुदा। कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह तालीवाल ने दित्ती वधाई। थाना गेट हकीमा नूं मिली सफलता। गोलियां चला के फरार हुए चार दोषियों विचों तीन दोषी हथियारों समेत काबू, एक दोषी फरार। तेजनगर दोहरे कतल मामले विच पीड़ित परिवार नूं मिले SHO शिवदर्शन सिंह। दोषियों नूं जल्द गिरफ्तार करन दा कीता दावा। अते उन खबरां विस्तार नाल। आम आदमी पार्टी हलका राजा सांसी तो सीनियर आप आगू वरुण कुमार राजा सांसी ने मार्केट कमेटी चौगावां दे चेयरमैन दा कार्यभार संभाल लिया। इस मौके ते कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह तालीवाल अते पनब्रेन दे चेयरमैन बलदेव सिंह मियादिया ने विशेष तौर ते शिरकत की अते मुबारकबाद पेश की। इस मौके नवनियुक्त चेयरमैन वरुण कुमार नूं सिरोपा दे के निवाचिया गया। इस मौके आप आगू दलजीत सिंह मियादिया, मास्टर प्रीतम सिंह लोपोके, डॉक्टर गुरपेत सिंह लोपोके, दविंदर सिंह औलख लोपोके, ऑब्जर्वर कुणाल तवन, जसपाल सिंह ढिल्लो समेत कई लोग मौजूद सन। सो अज पिछले कई सालों तो राजशाही हल्के आम आदमी पार्टी की मजबूती वास्ते काम करते वरुण कुमार जी ने पार्टी ने जड़ा सरदार भगवंत सिंह मान जी ने मार्केट कमेटी चगावा का जड़ा चेयरमैन लाया, असी उन्होंने अज सीट पर बिठाया, उन्होंने चार्ज लिया, उन्होंने वधाई देना है। और नाल आम आदमी पार्टी के वर्करां नूं ये बेनती करांगे कि पार्टी की अगवाई दे विच सारयां नूं रल के काम करना चाहिए। तो मेरे जिन्ने साथी हैं मैं सारयां दा तहे दिलों धन्नवाद करदा जी, जिन्हां ने दिन रात मेरे नाल मेहनत करके मेरा साथ दे के मैनूं इस बुलंदी तक पहुँचाया। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हाँ अपनी पार्टी की रीढ़ की हड्डी का, जिहड़े मेरे साथी मेरे नाल दिन रात मेहनत करते रहे। पुलिस थाना गेट हकीमा पासों तीन दोषी अनिल कुमार, संदीप अते विशाल कंडा नूं गिरफ्तार करके एक पिस्टल 32 बोर समेत दो जिंदा रौंद, दूसरा पिस्टल 30 बोर अते वारदात समय वरती एक्टिवा बरामद की गई है, जिसकी जानकारी ACP सुरेंद्र सिंह वालों दी गई। गिरफ्तार दोषियों नूं अदालत विच पेश करके दो दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है। इन्हां पासों बरीकी नाल पुछगिछ की जा रही है अते इन्हां दे चौथे साथी संदीप सिंह उर्फ टोलू नूं गिरफ्तार करने लई छापेमारी की जा रही है। साडे मुकदमा दर्ज होया सी 171 नंबर 27/8/23 नूं 307 IPC दे विच, जिहदे विच मोहित एलिस मोंगली नां दा मुंडा आ। इन्ने कहा सी कि रात 9 बजे अपने घर दे बाहर खड़ा सी ते चार बंदे आए जिन्हां ने उहदे ते फायर कीते, और फायर वो लगे नहीं सी, फायर कंध दे विच लगे सी जाके, और जिहदे विच आपां 307 IPC दा 25/27/53 नाल जाके दा परचा दर्ज किया। ये साढ़े चौंकी इंचार्ज साढ़े अनगढ़ नूं गेट की मैसेज नूं कामयाबी मिली है। इन्होंने ये चार बंदियां चों तीन जिहड़े मुलजम ने वो अरैसट कर ले, जिहदे विच अनिल कुमार, संदीप भड़कीला और विशाल कंडा। एक दोषी जिहड़ा आ संदीप एलियस टोलू वो अजे काबू करना बाकी है। इन्हों को दो पिस्टल जिहड़े आ बरामद होए ने, एक 32 बोर एक 30 बोर का, और एक पलटीना जिहड़ी एक्टिवा जी वह भी उन्होंने एक्टिवा जिहड़ी उन्होंने वारदात विच वरती सी वह भी बरामद कर ली है। और ये बड़ी मेहनत नाल काम किया साढ़े चौंकी इंचार्ज SHO ने, काफ़ी दिनों तो ये बंदे भजे हुए सी, और ये पिछे साड़ी टीम लगिया हुई जी सू अजे कामयाबी मिली है। और असी ये तीन दोषी ये फड़ ले, दो इन्हों को वैपन रिकवर किए। अमृतसर के सुल्तान बिन रोड से तेजनगर विखे डबल मर्डर के मामले में थाना बी डिवीजन के SHO शिवदर्शन सिंह दुख साझा कर पहुंचे और उन्होंने आख्या कि जो भी इस मामले का दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये पिछले दिन जी तेजनगर च घटना वापरी है, जिदे सरदार दलजीत सिंह उन्होंने बेटे की नौजवान बेटे की मौत हो गई है। ये बहुत ही दुखदायी घटना साढ़े समाज वास्ते, परिवार वास्ते। असी उस परिवार ने दुख प्रगट कर लिए, दुख साझा कर लिए आए हैं, जो इंसानियत नाटे साड़ी ड्यूटी बनती सी। इस तो अलावा असी परिवार को भरोसा दवा आए हैं कि उन्होंने बिल्कुल इंसाफ दवाया जाएगा। इस घटना में जिहड़े भी दोषी है, जिस किसी का भी रोल आया सामने आया, उन्होंने गिरफ़्तार किया जाएगा, वो खिलाफ़ वो एविडेंस कलैक्ट करके
उन्होंने चलान अदालत भी दिता जाऊगा, दोषियों को सज़ा दवाई जाऊगी। इन्होंने 6 दोषियों के होर नाम लिखाए ने, उन्होंने जल्दी जल्दी गिरफ्तार किया जाऊगा। दौरान तफ्तीश जेकर कोई होर किसी का भी रोल सामने आया तो उन्होंने भी नामजद करके उन्होंने भी गिरफ़्तार किया जाऊ। बिल्कुल इस केस में किसी का भी 1% भी लिहाज नहीं किया जाऊगा, क्योंकि उन्होंने बहुत व्डा इस परिवार का नुकसान करता वा। इन्हें घर के जो चिराग बुझा दिए आ, 2 जवान जोड़े मौत हुई ने। इस करके साड़ी कानूनी तौर पर भी इंसानी तौर पर भी ड्यूटी बनती है कि इस परिवार को इंसाफ दवाया जाए। ये सिर्फ कह दी गलां नहीं, असं जल्दी रिजल्ट सामने लियावेंगे। तो संयुक्त किसान मोर्चे दिया 18 जथेबंदियों के सदे से 3 दिन रेल रोको अंदोलन विढ़िया गया, जिसके तहत भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी वालों जिला प्रधान बलविंदर नाग और ब्लॉक प्रधान दलजीत सिंह गिल की अगुवाई हेठ मजीठा रेलवे स्टेशन विखे रेलों का चक्का जाम किया गया। सूबा आगू सविंदर पाल सिंह मोलोवाली, लोग संग्राम मोर्चे के सूबा आगू करम सिंह, जिला मीत प्रधान इस्त्री विंग बीबी कुलविंदर कौर, मंगल सिंह, नत्था सिंह, पाल सिंह, शिवचरण सिंह समेत वड्डी गिनती विच आगू मौजूद सन। ये जिहड़ा संघर्ष आ, ये उन्हां लोकां लई आ जिहड़े लोग हड़ां दे कारण तबाह हो गए, उन्हां नूं मुआवजा दिवाउण लई, उन्हां दे जिहड़े घर टह गए उन्हां दे घरां दी भरपाई कराउण लई, उन्हां दे जिहड़े खेत दब्बे गए आ रेता थल्ले उहदे लई उन्हां नूं बणदा मुआवजा। जिवें कि किसी के घर परिवार का कोई जी मर गया उन्हूं घट्टो घट 10 लाख रुपया, जे किसी का मकान टुट गया 5 लाख रुपया, जे किसी का पशु मर गया प्रति पशु 1 लाख रुपया, प्रति एकड़ के हिसाब नाल मुआवजा जिहड़ा 50,000 रुपया सरकार को उन्होंने दवाउण की खातर, उन्होंने दवाउण की खातर ये जिहड़ा मोर्चा, ये जो संघर्ष विढ़िया गया, ये संघर्ष का एक कड़ी जी पिछले महीने 30 तरीक न चंडीगढ़ जाना थी, पर सरकार ने जमहूरत का कतल करते हुए चंडीगढ़ जाने तो रोकया। पर इन्हां किसानां मजदूरां ने उस कड़ी नूं टुट्ट नहीं दिता, तो जिथे ही सानूं रोकया गया ही उत्थे ही जिहड़ा धरना ला के संघर्ष किया गया। 4 दिन सड़कां रोकियां गईयां, उदों सरकार ने यह मन्निया कि अहीं जिहड़ा वा जिन्हां दा जी मर गया उन्हूं 10 लाख रुपया दांगे ते इक नौकरी दांगे, 50,000 रुपया प्रति एकड़ उन्हूं मुआवजा दांगे, डंगर दा 1 लाख रुपया दांगे, मकान वाले नूं 5 लाख रुपया दांगे। अज भी उसे दी कड़ी दे वजों उस उही मंगा नूं लै के 3 दिन का प्रोग्राम रेलां रोकण दा सी, जिहड़ा कि परसों तो लैके अज तक असी भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी पंजाब वालों दे सदे ते मजीठे ट्रैक ते 3 दिनों तो जिहड़ियां रेलां रोक के बैठे हाँ। अज सानू पंजाब का हुक्म होया कि 4 बजे जिहड़ा वा 4 बजे धरना नूं खत्म करांगे, ते असी मोदी सरकार ते पंजाब सरकार नूं इह ताड़ना करदे हाँ कि जल्दी तो जल्दी उन्हां जिहड़े उजाड़े गए आ, उजड़ गए आ लोग पंजाब दे जां होर सूबियां दे, उन्हां नूं बणदा मुआवजा दे के उन्हां नूं वसाया जावे, उन्हां दी भरपाई कीती जावे। जे ना कीती अगला संघर्ष जो भी 19 जथेबंदियां वल्लों आऊगा उहदे ते पूरे फुल चढ़ाए जाणगे। वेखण विच आया कि टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा समां रह के किसान जिहड़े हैगे ने उह ट्रैक्स ते बह जांदे आ, उन्हां दी कुछ शर्तां हैगियां जिहड़ियां मनवाना चाहुंदे ने सरकार को, और सरकार जिहड़ी हैगी उह विफल साबित हो रही है इस काम दे विच कि उन्हां नूं बिठाण, उन्हां दी जिहड़ी यूनियन हैगे ने हैड्स हैगे उन्हां नूं बिठाण, जो भी दिक्कत हैगी आपस दे विच सॉल्व करन, क्योंकि जो सरकारां दी किसानां दी आपसी दिक्कत है उहदे विच सब तो ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है कॉमन मैन। विक्रम विच इह आ रहा है कि स्टेशन उत्ते गड्डियां नहीं हैगियां, पब्लिक परेशान हो रही है, सड़कां दे उत्ते जो ट्रैफिक है उह वधिया होया, वधिया इस करके होया कि रेट्स अपने मूँह मंगे लै रहे ने ऑटो वाले या बसों वाले, तो यह परेशान जिहड़ा हो रहा पब्लिक, इहदी पब्लिक दी की गलती सी किसानां और ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਜੇ ਨਾਲ ਜੇਪੀ ਸਿੰਘ ਫਾਸਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੁਰਮਿਲਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਲੜਕਾ ਉਮਰ 3 ਸਾਲ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਉਮਰ 5 ਘਰੋਂ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਚਾਰਜ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਫੈਜ਼ਪੁਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ASI ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੁਰਮਿਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। थाना छियाटा वालों NDPS एक्ट विच
लोड़िंदा एक पगोड़ा काबू किया गया अते एक होर दे खिलाफ 110 जापता फौजदारी अधीन जुर्म रोकू कार्रवाई की गई। शहर की ट्रैफिक प्रणाली जो कि हल होने का नाम नहीं ले रही, सरकार ते जिला प्रशासन वालों ट्रैफिक प्रणाली नूं सुचारू ढंग नाल चलाउण लई खोखले दावे किए जा रहे हैं, जिस दीआं मूंह बोलदीआं तस्वीरां तुहाडे रूबरू कीतीआं जा रहीआं ने, तां जो प्रशासन इस संबंधी कोई बनदी कार्रवाई करे तां जो ट्रैफिक प्रणाली का जल्दी तो जल्दी हल किया जाए। देखो शहर की ट्रैफिक के बारे इस तरह कहना, जो G20 का आगाज प्रोग्राम उदो पंजाब पुलिस बड़ी जी सचेत हुई थी, लेकिन वो G20 खत्म होने बाद फिर वो सड़कों के हाल है, गड्डियां साइड से लगी हुई हैं, मुलाजम इतने को हाल गिर से बाहर अंदर तक कोई नज़र नहीं आ रहा, लेकिन लोगों की मजबूरी, लोग भी की करन, लोगों जिसे को सड़क से जगह मिलती है वो लगा के चले जाते हैं। लोगों को चाहिए कि पार्किंग के गड्डिया लगा जिस जी आम दुकानदारों या राहगीरों को यह मुश्किल ना आए, चाहिए और प्रशासन को यही चाहिए कि ये ध्यान दिता जाए कि जी लोगों की मुश्किल का हल किया जाए, जी लोगों को मुश्किल ना आन। जो भी कोई गाहक साडा आता उन्हें तो लाली लाली जो बाहरले भी स्कूटर आते हैं, मोटरसाइकिल आते, कारा आदि इतों पार्किंग करके शॉपिंग कर चल जाते, टैक्सी स्टैंड वो पुल के उत्ते बनया, दीनदयाल मार्केट मच्छी मंडी बनया, मैं कैरो मार्केट बनया, पिंक प्लाजा बनया, उत्थे कोई नहीं लाता, पार्किंग मंजूर सुविधा है गवर्नमेंट को, फिर भी साड़िया दुकाना बाहर गड्डिया खिलार देते हैं, अंदर कई दुकाना शाम बंद शामी होंगी इतने आके खोल के लै जाते, सरकार को चाहिए इन्हों पर सख्ती करन, ट्रैफिक व्यवस्था साफ सुथरी बनानी चाहिए है। पुलिस प्रशासन कितों ही सवेरे आते हैं, गड्डिया ला के पक्खे थले बह जाते हैं, कोई अंदर बह जाता, कोई पिछे लम्बे बह जाता जाके, कोई सामने नज़र नहीं आ रहा, जे इन्हों कही कहते यार माड़ी जी अगे कर दो कि चंकी कर रहे हैं, 8 बजे गड्डी ला देते, रात 9:30 चुकते आके, पुलिस प्रशासन वाल इन्होंने वाल ध्यान नहीं, चलान वाल ज़्यादा ध्यान है, चलान कट्टी जा रहे हैं, सड़कों वाल वेचते नहीं पे, ट्रैफिक जाम लादी है, जिते भी गड्डिया खिलार दे उत्ते जाम लग जाता। ट्रैफिक प्रणाली जो कि हल होने का नाम नहीं ले रही, कारण है कि शहर दी सड़कों के उत्ते जिहड़ियां गड्डिया ने रोंग साइड तरीके खड़िया ने, भारी जाम लगते हैं, गलत तरीके जिहड़ियां गड्डिया लगिया पईआं ने, तो जाम का जिथे कारण ने उत्थे ही जे इन्नियां मार्केट के कार पार्किंग भी लागे काफ़ी बनिया पईआं, हालगेट के कोल कोल जे गल कर लीए किते कोई गड्डी नहीं लगती, मेरा ख्याल जे गल कर लीए शहर के अंदर वाले पासे गेट तो भारी लंबा जाम है, तो भारी तादाद के जिहड़ियां गड्डियां लगिया पईआं ने, वड्डी तादाद के विच बिल्कुल सड़क की हद तो बाहर ने, तो पुलिस प्रशासन की गल कर रही है, कोई ट्रैफिक पुलिस प्रशासन कितने नज़र नहीं आ रहा, जे इस तरह का हाल चलता रहेगा लगता कि आने वाले टाइम से शहर के गड्डिया नहीं रहनी है, सड़क तो बिल्कुल जाम ही रहनी है सारे पासे, तो लोगों की एक ही मंग है पहल के आधार से, जिस तरह G20 के मुहिम चलाई गई सी, गड्डियां हटाया गया सीगा रोंग साइड तरीके जिहड़ियां लगदियां सीगियां, वो मुहिम कितने फिर दोबारा शुरू की जाए तो जो शहर दी सड़कों का हाल खुला डुला हो, लोगों एक साइड तो दूसरी साइड में जाने में कोई भी दिक्कत है परेशानी का सामना ना करना पवे। कैमरामैन रमन कुमार के सुशील शर्मा, फास्टवे न्यूज़ अमृतसर। फास्टवे का फिल्मी चैनल नंबर 240, फास्टवे मूवी चैनल नंबर 241, फास्टवे मेट्रो चैनल नंबर 242, फास्टवे म्यूजिक चैनल नंबर 243, गुरुद्वारा शहीदां साहिब तो सीधा प्रसारण चैनल नंबर 556, श्री दुर्गियाना तीरथ तो सीधा प्रसारण चैनल नंबर 563 किया जा रहा है। मंदिर लाल भवन मॉडल टाउन विखे सवेरे सीधा प्रसारण चैनल नंबर 241 और शाम को सीधा प्रसारण चैनल नंबर 242 किया जाता है। फास्टवे के लोकल चैनल से एडवरटीजमेंट देने 4700-930-8833 से संपर्क किया जा सकता है। सब डिवीजन सांझ केंद्र केंद्रीय वालों नशे के माड़े प्रभावों बारे जागरूक करन अते पुलिस का सहयोग देने पब्लिक नाल मीटिंग की गई, जिस तहत सब इंस्पैक्टर गुरमीत सिंह, ASI दिलबाग सिंह, ASI परविंदर सिंह, HC गुरचरण सिंह, HC नवदीप सिंह अते कमेटी मैंबर रविंद्रपाल सिंह वालों सरकारी एलीमेंट्री मिडल स्कूल अनगढ़ अमृतसर विखे जाके बच्चों नशा करन वाले लोगों तो दूर रहन लई अते नशे के माड़े प्रभावों तो जाणू करवा गया अते नशे तो दूर रहने लिए प्रेरित किया गया। पंजाब विचों नशियां नूं खत्म करन लिए पुलिस का सहयोग करन लिए अपील की गई। इस मौके पर लोड़वंद बच्चों नूं स्टेशनरी का समान वंडिया गया। इस मौके स्कूल स्टाफ अते प्रिंसीपल लखबीर सिंह हाजिर सन। हुण समा हो गया एक छोटे जिहे ब्रेक का, ब्रेक तो बाद तुसीं वेखोगे। किसान जथेबंदी ने टोल प्लाजा निचरपुरा विखे कीता रोष प्रदर्शन।
कुछ होर खबरां एक छोटे जिहे ब्रेक तो बाद। फनलैंड अपने बच्चों को नेचर का अनुभव और राइड्स का फन दीजिए। आइए कंपनी बाग में सबके मनपसंद फनलैंड में और मजे लीजिए बेशुमार राइड्स, बोटिंग, रेस्टोरेंट, हॉर्स राइडिंग, आर्टिफिशियल जू, डांस और बहुत सारी एक्साइटिंग एक्टिविटीज का। एंट्री सिर्फ 5 रुपए से शुरू। Land in your city, unlimited fun. तुझे देखा हुआ पागल पागल तेरी बॉडी जैसे बॉटल बॉटल पासा जाने जा बन मेरी यामाहा लम्बी 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 है द थ्रॉटल लेट मी मेक यू मूव मेक यू मूव कम बैड बॉय बेबी बन द थोड़ा क्रैक जान लेवा रे से मेरा स्वैग लेट मी मेक यू मूव लेट मी मेक यू मूव ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुहाडा स्वागत है। पंजाब किसान संघर्ष कमेटी पंजाब वालों जंडियाला गुरु विखे अपनी मुख मंगा नु लेके माना वाला टोल प्लाजा कीता गया जाम। किसानों का कहना है कि हड़ा पीड़ित किसानों नु मुआवजा दिता जावे ते पंजाब दी नौजवानी जो नशिया की दलदल विच फस चुकी है उसनु बचाउन लई नशिया ते रोकथाम लगाई जावे। MSP दी गारंटी जो केंद्र सरकार ने वादा कीते सी उसनु लागू कीता जावे। वेखो साडियां दो तीन मंगा है। एक ते जेड़े मतलब पानी आ गए आ खराबे कारण साडे किसानां वीरां दीआं फसलां खराब हो गईआं वा। अपना इन्ने रौन पै गए आ कि रेता बहुत चढ़ गई आ। एक फसल खराब हुई दूजी पैली खराब हुई दूजे घर ढह गए घरों घर होए फिरदे आ। बाकी ये मंग आ बाकी जिहड़ी उन्हां दे हैगे अपने करजे आ उन्हां दा जिहड़ा मतलब व्याज आ माफ़ किया जाए। तीजी मंग ये आ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਆ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਇਹਦਾ ਮਾਸਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਪੀ ਨਸ਼ੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਸਪੀਟਲ ਐਂਡ ਸਿੱਧੂ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਰੋਡ ਨੇੜੇ ਚੋੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਔਲਾਦ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਲੈਪਰੋਗਾਈਨੀ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਰਣਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ IVF ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਪਲ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਸਪੀਟਲ ਐਂਡ ਸਿੱਧੂ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ IVF ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਾ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਸਜ਼ੇਰੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬੇਔਲਾਦ ਜੋੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ, ਸੋ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਂਝਪਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਲਵਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਲਵਾ ਸਕੀਏ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ IPS ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।
ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ MP ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ PPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਗਰੁੱਪ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋੜੀ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ IPS ਤੇ PPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਚਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਡਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸ ਲੇਪਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜੋ G20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਰ ਲਏ ਆ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਠੂਠੇ ਫੜਾਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਠੂਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਾਉਣੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਠੂਠੇ ਤੋੜੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੂੰ ਠੂਠਾ ਫੜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹ ਠੂਠੇ ਤੜਵਾਉਣੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੇਰਾ ਪੂਰਨ ਸੁਜਾਨ ਸਾਗਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਐਵਨਿਊ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਬਾਈਪਾਸ ਵਿਖੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਬਾ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰ ਕੇ ਗਿੱਲਾ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਪੜਖੇੜੀ, ਮੈਨੇਜਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੋਦੀ ਸਰਪੰਚ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਾਲਾਨਾ 84 ਘੱਟ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਘੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਨਾਮਦਾਨ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਲੱਗ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਪੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ, ਭੋਗ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ, ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਭਰੀਆਂ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ। ਵਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਚੋਗਾਵਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਹੁਦਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ। ਥਾਣਾ ਗੇਟ ਹਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਫਲਤਾ। ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਦੋਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ, 1 ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ। ਤੇਜਨਗਰ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ SHO ਸ਼ਿਵਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।